कर दिया ऑन, अभी देखो आ जाएगा आपके पास सभी के पास। अच्छा ऐसे ले जाना मेरा पक्का। अरे यार एक मेरे वाले को लेके जिज्ञासा रहती है, आपकी नहीं ये शुरू से है। एक सेकंड रुको रुको रुको, उसमें वो कंपटीशन माली समाज कंपटीशन नाम से वो ग्रुप है उसमें हो ना आप सारे, ये उसमें है। वो किसके हैं, वो किसने बनाए अभी देखो मैं जो ये भेज रहा हूँ ये किस कौन कौन हो इसमें देखना। एक सेकंड रुको, चलो आप लिखना शुरू करो यार टाइम लगेगा तब तक लिखो। हाँ ये पूरी पीडीएफ है, पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, रुको टाइम लगेगा लिखो। ए बी सी एक व्यापार की शुरू, एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ए बी सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ए कुल पूंजी का, ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ए कुल पूंजी का 33.1/3% ए कुल पूंजी का 33.1/3% कॉमा बी 33.1/3% समझ गए ना, मिक्सर फ्रैक्शन है ये ठीक है। 33.1/3% कॉमा बी शेष पूंजी का 25%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी को निवेश करता है, और सी शेष पूंजी को निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में कुल 186,000 रुपये लाभ होता है, यदि वर्ष के अंत में कुल 186,000 रुपये का लाभ होता है तो ए का हिस्सा कितना होगा। 186,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है तो देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए, हाँ ए का, हाँ दिनेश जी अभी किसकी तैयारी कर रहे हो आप हुँ? अच्छा देखिए आपके ग्रुप में आया है जो ये बॉयज गर्ल्स कंबाइंड ग्रुप है ना इसमें टोटल लाभ है, हाँ टोटल लाभ है 186,000, हाँ इसमें जोड़ दूंगा, इसको बबीता को भी जोड़ देते, बबीता को है 62,000 आया। Thank you.
चलो आपको पार्टनरशिप की जो सीट थी वो मैंने भेज दी आपको, सबको पर्सनली मिल गई होगी। एक सेकंड, रुको 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 रुको, दिनेश सिंह वापस चले गए। एक सेकंड, ओ नो, नहीं आई। ये देखो अब आई, आई, सभी को एक सीट मिली है। ये सीट एसएससी वालों को दी जाती है, एसएससी की तैयारी करते हैं ना वो इस सीट को सोल्व करते हैं। और अपने को इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल इसमें 48 क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे अपने को सोल्व करने हैं। ये पूरी होगी सीट तब अपना टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा। देखिए ये कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 था। एक कुल पूंजी का 33/1/3%, 33/1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, राइट। अरे 33/1/3%, देखो 33 × 3 99 + 1 100, 100/3% हटा तो बटे 100 1/3, तो 3 होता है टोटल और 1 जो उसने ए ने काम ली, तो टोटल पूंजी कितनी थी 3। उसमें से एक पूंजी है वो किसने निवेश की, ए ने। अब शेष पूंजी कितनी बची, 2 2 का 25%, 2 का 25% कितना होता है, आधा। 2 का 25% नहीं निकालना है ना, तो देखो 2 का मतलब गुणा 25%, परसेंट हटा तो बटे में 100, तो ये 4, तो कितना आया, आधा, आधा निवेश किया इसने। अब टोटल 3 था, 1 इसने निवेश कर दिया, आधा इसने निवेश कर दिया, अब पीछे कितना बचा, डेढ़ ही बचा, डेढ़ निवेश हो गया, डेढ़ बचा। डेढ़ का मतलब होता है 3/2 से मल्टीपल कर दो इसको पूरे, राइट। यहां 2 से मल्टीपल किया, यहां 2 से कर दिया, फ्रैक्शन हटा दी, तो ये तो आया पूंजी का निवेश, पूंजी आई। अब बोल रहा है कि कुल 186,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कुल 186,000। अब समय तो दिया नहीं है, तो जो ये पूंजी है वही इसकी क्या है, हिस्सेदारी है, तो अपने कुल टोटल कितना है, 6। बोला क्या है, बोला है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 2, ये गया 3 बार, 3 से कितना, 6 और 2 62,000। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा उनको दिक्कत आएगी। देखो मैं बोलूँ ना कि मैंने किसी काम का 4/5 भाग पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब है टोटल काम तो 5 था, मैंने उसमें से कितना कर लिया है। अब बोल रहा है कि एक कुल पूंजी का, टोटल पूंजी थी उसका 33/1/3% निवेश किया, तो हमने कहा 33/1/3% क्या बला है, 3 + 1, ये तो आती है, तो 100/3 परसेंटेज हटा तो बट्टे में 100। मतलब बोले, वो बोल रहा है कि ए ने 1/3 पूंजी निवेश की, तो हमें पता चला कि टोटल पूंजी 3 है और ए ने उसमें से कितनी निवेश की है, 1। हमने कहा 3 थीर, ए ने 1 निवेश कर दी, तो शेष पूंजी कितनी बची, और उस शेष का 25%, तो शेष 2 का मतलब गुणा का 25%, परसेंट हटा तो बट्टे में 100, 1/4, ये 2 से 1/2, तो हमने कहा 1/2 पूंजी निवेश की है बी। हमको पता चला कि ये 1 और ये आधा होता है डेढ़, टोटल पूंजी थी 3, 3 में से डेढ़ तो ये ले बैठे। अब आगे बोल रहा कि और जो शेष बची ना वो सारी किसने निवेश कर दी, सी ने कर दी। अब ये नीचे 2 2 है, तो इसको ऐसे सेट करने के लिए कि सब बराबर हो जाए, इसको इंटू क्या कर दिया, 2 2 2 1 3। अब समय नहीं दे रखा है तो यही इनकी हिस्सेदारी है, वरना तो समय होता तो गुणा कर लेते फिर आता। टोटल प्रॉफिट 186,000, अपने टोटल कितना है, 6। ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में ज्ञात करना है, एक ऐसा, आई बात समझ में, ये चलो लिखो। उसके बाद आप सभी के पास सीट प्राप्त हो गई और इसका सीक्वेंस से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। दिनेश जी आप भी निकाल लो, साथ के साथ हो जाएगा, कर ली पूरी पार्टनरशिप वाली है। इसका लेवल अपने जितना ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ
तो वो इतना करते तो वो नहीं समझ में, फिर किसको आएगा? अभी उड़ाते पूरा हो जाएगा। अपने इनिशियल कंडीशन है, अपने जब दूसरी बार होगा ना, जैसे एक एक बार कोर्स पूरा हो जाए फिर दूसरी बार होगा ना, फिर अपन धमाधम करें। वो किसी चीज के लिए ऐसा बोलते नहीं, मैंने उनकी क्लास देखी। अब जैसे मुझे बताया कि जैसे 14 से 2/7% का मतलब 1/7 वगैरह जो भी है, 16 से 2/3% का मतलब 1/6, तो वो ऐसे फ्रैक्शन को लिखेंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट लिखेंगे कि 1/33 से 1/3, 3 में से एक लेगा, एक ये लेगा, 2 बचा 2 का 25 ये लेगा, आधा ये लेगा, फटाफट करेंगे। हाँ फ्रैक्शन करवाएंगे यार, अभी तो परसेंटेज हटे ना बट्टा में शो आवे और ठा पड़ियो आली थी तरक्की करी नहीं, अब हो जाएगा। अब सेकंड राउंड आएगा ना, वो बहुत तगड़ा आएगा। अभी जैसे रीजनिंग में ऐसे ऐसे सीजीएल के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, सारे ही हो रहे हैं बच्चों से, सब ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर एक पर, मैं साथ के साथ बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखूंगा। अरे करा हाल जीते सगड़ा बैठा थोड़ी देर था नौकरा जी क्या को है? ये करेंगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए एक है, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि 3 भागीदार व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 में बांटते हैं। 3 है, ए बी सी है, और तीनों 8:7:5 में बांटते हैं प्रॉफिट को, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। आगे क्या बोल रहा है? उन्होंने अपनी पूंजी को 7 महीने 8 महीने इसके लिए लगाया, तो टाइम क्या क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 7 महीने 8 महीने और 14 महीने। तो बोल रहा है कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, पूंजी का अनुपात कैपिटल का रेशियो पूछा है। इसमें आपके पास पीडीएफ ओपन कर लो उसमें, और उसमें जो येलो कलर कर रखा है वो सारे सारे राइट है इसमें, करो फटाफट दमादम स्पीड से करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज 1 से लेकर 48 तक करोगे, और जो नहीं होगा वो पूछोगे कल। हो रहा है सोलिए, करना कुछ ही नहीं है, सीधा पता है अपने को कि जो लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणा समय। तो पूंजी निकालनी है तो इसको दे दो भाग में, मतलब लाभ बटा समय, तो लाभ 8/7, लाभ 7/8, लाभ 5/14 हो गया। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करो जो कि इनको क्या करे, सभी को सेटिस्फाइड करे, तो ऐसा क्या होगा? 56, 8, 7, 14 का एलसीएम निकाल लो, कितना था? 56। अब देखो इससे 56 से किया, इसको भी 56 से किया, और इसको भी 56 से किया, तो देखो 8 × 7 = 56, ये 8 होगा, और ये 8 × 7 = 56, ये 4 × 4 = 56, तो 8 × 8 = 64 / 49 / 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सीधी सीधी बात थी, लिखो नोट करो।
चलो अगला क्वेश्चन लिखे, अगला क्वेश्चन ऊपर का मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि ए बी और सी कितना कितना पेमेंट निवेश करते हैं इसमें। ए बी और सी, ए निवेश करता है 13,750, ये करता है 16,250 और एक करता है आपका 18,750। ये इतना इतना पेमेंट निवेश करते हैं और उनके द्वारा जो प्राप्त लाभ है उस लाभ में बी का जो हिस्सा है, बी का जो प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट इन्होंने पहले ही दे दिया, बी का प्रॉफिट है 5,200। बी का प्रॉफिट है 5,200, तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तीनों का मिला करके प्रॉफिट कितना है। अब समय दिया नहीं, जब समय नहीं दिया जाता है तो जो पूंजी होता है उसका अनुपात ही क्या होता है, मेन अनुपात होता है। बस करो, हाँ महेंद्र आपने वो क्लास है ली? हाँ कल चलोगे? अच्छा कल आपके पेपर है क्या? कहाँ है सेंटर? कहाँ पे सेंटर? ये हो गया सभी से, ये वाला करें? हाँ करें, करना पड़ेगा। देखिए देखिए इनका जो ये टोटल, ये ए बी सी की कैपिटल ही हिस्सेदारी होगी, कैपिटल को लिखो 750, 0,0,0, 25 से कट कर दो, 25 से ये कितनी बार कट होगा, 55, 35, 65, 75, ये हिस्सेदारी आ गई। बी का प्रॉफिट है 5,200, और कटेगा ना, भी 5 से और कट, 11, 15। अब देखो बी का प्रॉफिट है 5,200, अपने बी का कितना है 13, बोले टोटल, तो टोटल कितना है 39, ये 13×52, तो 209×36 का 6, असल की 3×4×3 = 18, 15, 15,600 टोटल। चलो ये वीडियो रोक दो, अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, वीडियो रोक दो, रोको सुनो, वीडियो रोक दो।